हेलो हाय नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सभी। मैं निधि राणा आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूँ एक और स्पेशल सेशन के साथ। ये जो सीरीज है इसके चार पार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, आज ये फिफ्थ पार्ट है। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, क्योंकि 11 बज चुके हैं और स्पेशल सेशन का टाइम हो चुका है, यानी कि आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जिससे आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाए, चाहे वो टिप्स हो, चाहे वो ट्रिक्स हो, चाहे वो रूट वर्ड्स हो, कुछ भी। ठीक है, छोटे से सेशन को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। तो एक बार भाई सबसे पहले सेशन को लाइक और शेयर कर दो, थोड़ा सा कर दिया करो, क्योंकि ये स्पेशल सेशन आपके लिए चलाए जा रहे हैं। थोड़ा सा लाइक शेयर कर दोगे, कॉमेंट करके बता दिया करोगे सेशन कैसा है तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छी चीजें आपके लिए लाने की हम कोशिश करेंगे। तो लाइक और शेयर आई बिलीव आपने अभी तक कर दिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड से आज, जो कि है प्री। प्री का क्या मतलब है? पहले। ठीक है, कोई चीज पहले आना। तो फर्स्ट आपका क्या है? प्रीफिक्स, मतलब फिक्स कर देना पहले, किसमें? वर्ड में, है ना। फिक्स किया है कब? पहले। कहां किया है? किसी वर्ड में। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं सबसे पहले, कि कभी भी एग्जाम में आपसे सिनोनिम कोई भी वर्ड का डेफिनेशन नहीं पूछता। आपसे पूछेगा सिनोनिम, एंटोनिम या फिल इन द ब्लैंक्स। तो वहां पे आपको डेफिनेशन पता होनी जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका कंटेक्स्ट, उसका मतलब पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप नीचे का आंसर कर सके। अब आप प्रीफिक्स की पूरी डेफिनेशन करने अगर लग जाओगे यहां पर, या किसी भी वर्ड की पूरी डेफिनेशन करने लग जाओगे, तो कितनी डेफिनेशन लर्न करोगे बताओ? वो क्या, आप तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, कितनी लर्न करोगे। तो फायदा इसी चीज में है कि हम कंटेक्स्ट को समझे जो हमारे लिए यूजफुल हो, है ना। हमको लर्न करने की जरूरत नहीं जब हमको इतने से समझ आ रहा है कि फिक्स करना है, पहले करना है किसमें? किसी वर्ड में। प्रीफिक्स जो आपको उपसर्ग प्रत्यय वाला होता है, हिंदी में वही है प्रीफिक्स, सफिक्स। नेक्स्ट है प्रिवेंट, मतलब कुछ होने से पहले ही बचा लेना, है ना, पहले ही बचा लेना, प्रिवेंट कर लेना। प्री लिखा है ना, तो पहले तो आएगा ही आएगा। फिर आपका प्रिसाइज, प्रिसाइज किस रिलेटेड रहता है? लेंथ या शेप से। ठीक है, प्रिसाइज रहता है शेप या लेंथ से। अब यहां पे क्या है, कोई भी शेप है, मान लीजिए आपसे मांगी गई थी, मान लीजिए सर्कल आपसे मांगा गया था, आप ले आए हो ये शेप, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई इसको प्रिसाइजली तू कट कर ले, है ना, मतलब तू इसको सर्कल में ही कट कर ले, नहीं तो मैम इसको रिजेक्ट कर देंगी। तो क्या कर दिया आप, शेप या लेंथ को क्या कर देते हो? कट कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजुडाइज। प्री मतलब पहले, यहां पे लिखा है JUD, इसको हम किससे समझेंगे? जज। ठीक है, पहले ही मतलब किसी को जज कर लेना, आपने जज किया पहले ही, मतलब किसी के पहनावे से, किसी के बोलने के तरीके से, लोगों की सुनी हुई कही हुई बातों से आपने किसी को पहले ही जज कर लिया, तो उसका मतलब क्या है? आपने एक पूर्व धारणा बना ली। ठीक है भाई, जज कर लिया पहले ही। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में डिक्ट का मतलब बताया था, किससे रिलेट करोगे? डिक्टेशन से। डिक्टेशन का क्या मतलब है? बोलना, है ना। बचपन में आपने डिक्टेशन दी होगी, मैम क्या करती थी, उसमें वर्ड्स बोलती थी, आप लिखते थे। तो बोल देना और पहले ही बोल देना, मतलब कि पहले ही अगर आपने बोल दिया है तो यानी कि आपने थोड़ा सा एक भविष्यवाणी कर दी कि हाँ भाई ऐसा ही होगा, है ना। प्रिडिक्ट कर लेना यानी कि अनुमान लगा लेना कि ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिपेयर। प्रिपेयर आपको पता होगा, पहले ही रेडी रहना, है ना, रेडी रहना पहले से, प्रिपेयर्ड रहना। प्रेफर, प्रेफर का क्या मतलब है? आप क्या करते हो? चूज करते हो, चॉइस होती है यहां पे आपके पास। क्या मतलब? पांच फ्रेंड्स हैं, आप सबसे पहले किसको प्रेफर करोगे? क्योंकि लिखा है प्री, तो मतलब चूज करते हो सबसे पहले मेरे लिए कौन है, सबसे पहले कौन आएगा आपसे। आप मान लीजिए कहीं गए घूमने किसी के घर पे, वहां आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप क्या प्रेफर करेंगे, कॉफी या चाय, तो आपने क्या बोला? कॉफी। क्या मतलब? कॉफी आपके लिए पहले है, आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए चाय से पहले आपके लिए क्या है? कॉफी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। सीडेंट को हम पढ़ेंगे एक्सीडेंट से, ठीक है, और प्री, तो पहले हुआ कोई एक्सीडेंट, मतलब कि पहले पास्ट में कोई इवेंट हुआ हो, है ना, एक्सीडेंट हुआ है, कोई कोई ना कोई घटना घटी है, कोई पास्ट का इवेंट, पहले कोई घटना घटी, पास्ट का इवेंट।
चलिए, अगर आपको अच्छा लगा है भाई सेशन, अभी तक अगर आप जुड़े हुए हैं तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो। जिसको हमारी क्लासेस का स्केड्यूल नहीं पता है वो देख लेंगे एक बार, सुबह 8 बजे वो कैंप, 11 बजे आपका स्पेशल सेशन, 2 बजे आपकी फुल फ्लेज्ड क्लास है इंग्लिश की ग्रामर, ठीक है भाई। ये क्या है आपकी इंग्लिश की ग्रामर की क्लास है, जो कि अभी आपकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, एसएससी एमटीएस हवलदार सीएचएसएल यूपी बीएड सुपर टेट सभी के लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपको किसी भी चीज की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप मेरे साथ यहां से जुड़ जाएंगे, इंग्लिश मेड इजी विद निधि, ठीक है। ये क्या है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको यहाँ पे अपडेट्स मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगी, कोई डाउट रह गया तो भी आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, कॉमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, मुझे अच्छा लगेगा। प्रेपकर को सब्सक्राइब करना, और अब मैं आपसे मिलूंगी 2 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पहले के सेशन देखो, 11 बजे वाले अगर नहीं देखे हैं तो वो आप क्लास देखा करो, 2 बजे अब आपसे मिलेंगे इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।